इस वीडियो में हम मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे। मार्केटिंग प्लान मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, ये एक बहुत ही फेमस कहावत है और ये कहावत जीवन में, मार्केटिंग में और बिजनेस में भी लागू होती है। इसका मतलब ये है कि कार्य की योजना बनाना आवश्यक है, इसके साथ ये भी आवश्यक है कि योजना क्रियान्वित की जाए। इसीलिए मार्केटिंग प्लान की मार्केटिंग में बहुत ही महत्ता है। मार्केटिंग प्लान करता क्या है? मार्केटिंग प्लान एक कंपनी को अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में सहायता करता है। मार्केटिंग प्लान एक तरह की एग्जेक्टिव समरी है जिसमें एक कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात की जाती है, कंपनी की सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग की बात की जाती है, मार्केटिंग और वित्तीय गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं, सेल्स रेवेन्यू की बात करते हैं, मार्केटिंग का जो भी बजट आप एलोकेट करना चाहते हैं उसकी बात करते हैं, इसकी फोरकास्टिंग करते हैं और इसका रेगुलर इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसे आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप वार्षिक रूप से या त्रैमासिक रूप से या मासिक रूप से इसका इवैल्यूएशन और कंट्रोल करें। इससे आपको उद्देश्यों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। मान लीजिए किसी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास कई सारे प्रोडक्ट। अगर हम केवल साबुन कैटेगरी की बात करें तो साबुन कैटेगरी में उनके पास कई सारे साबुन हैं। उसमें एक फेमस सोप है, वो है लक्स। लक्स तो आपने सुना ही होगा। मान लीजिए आप लक्स के लिए मार्केटिंग प्लान बनाना चाहते हैं, उसमें आपने ये कहा कि मान लीजिए कंपनी का जो बिजनेस है, जो लक्स का बिजनेस है, वो 2000 करोड़ का है, 2000 करोड़ का है और अगले साल इसे आप 2200 करोड़ यानी 2200 करोड़ पहुंचाना चाहते हैं, यानी आप 10% की ग्रोथ चाहते हैं। तो इस ग्रोथ को पाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप एक मार्केटिंग प्लान बनाएंगे। इस मार्केटिंग प्लान में आप अपने कंपटीशन की चर्चा करेंगे, आप अपने स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, आप अपने वीकनेसेस की बात करेंगे, आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की बात करेंगे। इसके साथ ही आपको एक बजट भी एलोकेट करना पड़ेगा जिसमें आप लक्ष्य को प्रमोट कर पाए। तो अगर 2000 से 2200 करोड़ अगर आप पहुंचना चाहते हैं और 10% की वृद्धि चाहते हैं, तो आपको अपने मार्केटिंग बजट में, अपने एडवर्टाइजिंग बजट में, अपने प्रमोशन के बजट में भी उसी प्रकार बढ़ोतरी करनी हो। और उस पूर्वानुमान के आधार पर कि आपकी ग्रोथ 10% की होगी अगले साल, उसी हिसाब से हर चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए ओवरऑल अगर आप प्लानिंग करना चाहें तो आप प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे जिसमें 10% की ग्रोथ आपके लिए निश्चित हो। ऐसा हो सकता है कि एक साल के बाद आप वो ग्रोथ अचीव ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे ज्यादा की ग्रोथ अचीव कर पाए। बट एक मार्केटिंग प्लान होना जरूरी है जो आपको रास्ता दिखाए कि आप किस रास्ते चल सकते हैं और किस तरह अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटजिक प्लानिंग में मार्केटिंग प्लान का होना बहुत ही जरूरी है और आपको हर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए या फिर आप अपनी कंपनी के लिए मार्केटिंग प्लान क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।